बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मैं भी नौसिखिया ही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अहंकारी उन्माद। राम ने रावण को मार दिया। एक गर्जना हुई, रावण के विशालकाय पुतलों में आग धधकते ही भीड़ भी जोर से चिल्ला पड़ी, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, कौन राम, कैसा राम, किसने मारा मुझे, किसकी मजाल जो मुझे मार सके। देखो, सब गौर से देखो, मैं रावण हूँ। हाँ, वही रावण, 10 सिर वाला रावण, आततायी राक्षस रावण, अबला नारी सीता का अपहरण करने वाला रावण, सोने की लंका का स्वामी रावण, शिव का परम भक्त रावण। क्या नहीं दिखता तुम्हें, क्यों नहीं दिखता तुम्हें, आंखें बंद कर लेते हो और फिर बंद आंखों से देखना चाहते हो। खोलो आंखें और गौर से देखो मुझे, मैं वही हूँ। मुझे शिव ने वरदान दिया था कि एक सिर कटेगा तो 10 सिर उगाएंगे। आज वह वरदान और भी बढ़ गया है, आज एक सिर कटते ही 1000 सिर उगाते हैं। तुम मुझे हर साल बड़ा और ऊंचा बनाते जा रहे हो। जितना बड़ा बनाते जाओगे, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द उतना ही ज्यादा फलता फूलता रहूंगा। तुम जितना नीचे गिरोगे, मैं उतना ही ऊंचा उठूंगा। हा। रावण अट्टहास करता हुआ सभी के सामने से होकर गुजर गया और भीड़ में सभी के मन में छुप कर जा बैठा। अब वह पूरे वर्ष आतंक फैलाने के लिए सुरक्षित हो गया था। सुना है अगले वर्ष और बड़ा रावण बनाने की योजना चल रही है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद द्रौपदी दी। अब फिर से पहुँचते हैं झांसी पर और वहाँ पर निधि जी को आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर निधि अग्रवाल जी को आपकी लोक कथा की समीक्षा के लिए। निधि जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। मैम, थोड़ी सी माफी चाहूंगी कि मैंने अशोक सिन्हा पे शायद ज्यादा ध्यान दिया और दुर्गा पे कम दिया, तो मैंने जो लिखा है वो लेखक करके लिखा हुआ है, पर कोई हम लोग बात जेंडर न्यूट्रल समाज की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको उसी रूप में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो शीर्षक है अहंकारी उन्माद, तो बहुत मुझे पसंद आया। एक जिज्ञासा जगाता है मन में कि आखिर किसका यह उन्माद है, अहंकारी उन्माद। तो कथा पढ़ के लगता है कि निश्चित यह रावण का नहीं, भीड़ का उन्माद है, भीड़ का अहंकार है कि हम रावण को कुचल सकते हैं। रावण को जला देने के अहंकारी उन्माद में हम जान नहीं पाते कि रावण हमारे भीतर भी बैठा है। हमारी समाज की विसंगतियों, दोहरी मानसिकता, मापदंड और खोखली प्रतिबद्धताओं पर प्रहार करती है यह लघु कथा। संवाद, शीर्षक, कथानक, शिल्प सब मुझे बहुत पसंद आया। केवल एक वाक्य के कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कथा है उसमें कुछ अस्पष्टता और अपूर्णता आ जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक ही कथा में दो संदेश देने का प्रयास वहां पर हो गया, जिसकी वजह से एक संदेश जो है उसका संप्रेषण भली प्रकार नहीं हो पाया। शिव का परम भक्त रावण क्यों नहीं दिखता तुम्हें के माध्यम से शायद लेखिका कहना चाहती है कि प्रत्येक में अच्छा बुरा साथ रहता है और हमें अच्छाई का चुनाव कर उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन हम रावण के ज्ञान और भक्ति का उत्सव ना मना केवल उसे एक अपहरणकर्ता के रूप में याद रखते हैं। और यहाँ मैं यह कह देना जरूरी समझती हूँ कि कुछ दोष ऐसे स्याह होते हैं कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर का जो उजास है उनके सामने अर्थहीन हो जाता है। शायद ये मुख्य कारण है इसका। मुख्य संदेश जो कहानी का पहुंचता है वह यही कि रावण को जलाने की प्रतीकात्मा को बिसराकर हमने उसे एक प्रतियोगिता में बदल दिया है, और जिस कारण हर सोसाइटी एक बड़े से बड़ा रावण बनाती है और हर साल हम और बड़ा रावण बनाना चाहते हैं, और हमारे जो भीतर रावण बैठा है उसे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हर वर्ष और ऊंचा रावण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर लघु कथा मुझे लगी। शीर्षक, संवाद सब बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। शुक्रिया, और बताइए आपको।